विभाग का क्या प्रोग्राम है? देश भर में जो अनुसूचित जाति के लोगों पर दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, इनको लेकर के आप लोग कितने चिंतित आए हो, कितना चिंतित है? अभी कल की एक घटना मुजफ्फरनगर में, जिस प्रकार से एक सरपंच ने घोषणा करवाई है कि चमार जाति का कोई व्यक्ति उनके ट्यूबवेल पर, उनकी समाधि पर, उनके खेत की डॉल पर ना जाए, और अगर गया तो 50 जूते 5000 रुपए जुर्माना होगा। आजादी के 70 साल के बाद में दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर, कैसे देखते हो सारे अत्याचारों को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करने के विषय हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की हमारी फाउंडेशन के समक्ष भी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष भी आते हैं। आपने मुजफ्फरनगर का कल घटना किया, वह संज्ञान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने लिया है और आज ही हमारी इस विषय पर उनसे बातचीत हुई है। मुजफ्फरनगर के उपायुक्त महोदय को इस सारे विषय पर समस्त जानकारी के लिए हमने नोटिस जारी किया है। साथियों, आज श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से जो हमारा सामाजिक संगठन है, इस संगठन में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री विजय सांपला जी, उनको देश के सम्मानित राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी ने, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानित गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी ने आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनके नेतृत्व में मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, समस्त देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, क्योंकि श्री विजय सांपला जी और हम पिछले 20-25 वर्षों से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया है और उनसे आग्रह भी किया है कि साहब, जो संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से आपको अधिकार मिले हैं, आप उन अधिकारों का बहुत तेजी के साथ अनुसूचित जाति के हकों के लिए आप उनके निर्णय लीजिए, उनको न्याय दिलाइए। हमारे जो बहन भाई, हमारे समाज के लोग, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, चाहे दूर दराज के राज्यों में हैं, आप देश की राजधानी में बैठे हैं, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, इतनी संवैधानिक शक्तियां आपके पास हैं कि आप उन शक्तियों का पालन करते हुए समाज के हर पिछड़े हुए व्यक्ति को, जिसको कहीं प्रताड़ना मिली है, उसको न्याय दिलाने का काम करें। जी, आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको आयोग का चेयरमैन जो बनाया है, आप नहीं मानते कि संविधान नहीं होता तो ये भी नहीं बना पाते? संविधान ने बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, संविधानिक प्रक्रिया ने बनाया है, ये लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र है तो संविधानिक सीट है, तो कोई ना कोई बनना ही था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आप मेरे छोटे भाई हैं, बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, अनेक विषयों पर आपसे हम लोगों की चर्चा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, उस संविधान की व्यवस्था के तहत ही देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों की नियुक्ति होती है, उसी संविधानिक व्यवस्था से अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। मैंने आभार व्यक्त किया है देश के राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, कि आपने ऐसा सक्षम अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग का हमें दिया है विजय सांपला जी के रूप में, जिसके माध्यम से देश भर की जो अनुसूचित जाति की समस्याएं हैं उनका बहुत तेजी के साथ निपटारा होगा, उन समस्याओं का समाधान होगा, अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। इसके लिए हमने देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। रामशंकर कठेरिया जी के बाद में और सांपला जी का लगभग 1-2 वर्ष के लंबे अंतराल तय तक ये जो सीट है, जो लोकतांत्रिक सीट है, वो खाली पड़ी रही। देश के कोने कोने से तमाम एक्टिविस्टों ने, दलित शोषित एक्टिविस्टों ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को लेटर लिखे, 2 साल तक लगभग ये सीट खाली पड़ी रही और लोगों का प्रताड़ना होती रही। 6 लाख से ज्यादा मामले लंबित है, कैसे देखते हो? मैं समझता हूँ कि बीच में कुछ कमियों के चलते अनुसूचित जाति आयोग का गठन होने में देरी हुई, पर पिछले 1-1.5 वर्ष पूर्व, पिछले फरवरी 2021 में जब श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का राष्ट्रीय अधिवेशन देश के सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 21 फरवरी 2021 को विज्ञान भवन में हुआ था, उससे 1 सप्ताह पहले ही
श्री विजय सांपला जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो गया था। हाँ, यह इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे पूर्व में अनेक समस्याएं, वो समस्याएं हजारों में थी, लाखों में थी, उन समस्याएं थी, देश भर की उलझने थी, पर एक वर्ष के कार्यकाल में माननीय सांपला जी ने अनेक समस्याओं का निपटारा किया है। अब मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, श्री विजय सांपला जी के नेतृत्व में गठित हमारा अनुसूचित जाति आयोग बहुत शक्तिशाली रूप से अनुसूचित जाति के हकों के लिए, अनुसूचित जाति के पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने के काम को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को विश्वस्त दिलाता हूं। बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां एससी एसटी पर जुल्म ज्यादा हो रहा है और आप बीजेपी के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, कैसे देखते हैं? मतलब सवर्ण समाज की जो मानसिकता शेड्यूल कास्ट के प्रति है उसको कैसे देखते हैं? कभी गाय के नाम पर, कभी किसी अन्य दूसरे के नाम पर, कभी मंदिर घुसने के नाम पर, कभी घोड़ी चटने के नाम पर, कभी मूछ रखने के नाम पर डेली प्रतिदिन दलित समाज की हत्याएं हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, और खासतौर से जहां बीजेपी की राज्य सरकार है वहां ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारें हैं वहां के हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति के हकों के लिए बड़े गंभीर हैं। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व, शरारती तत्व हमारी सरकारों की छवि भी खराब करने के लिए इस प्रकार की घटना करते हैं। घटना कहीं हमारे संज्ञान में आई है, मुजफ्फरनगर का विषय हो, चाहे राजस्थान का विषय हो, चाहे गुजरात का विषय हो, या मेरे गृह प्रदेश हरियाणा का विषय हो, ऐसे कई विषय मेरे संज्ञान में आए हैं, हम लोगों के संज्ञान में आए हैं। पार्टी संगठन के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम के साथ साथ पार्टी संगठन के माध्यम से भी हम लोग एक ऐसा सशक्त सिस्टम आप लोगों के समक्ष, आप लोगों को विश्वास दिलाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि हम अनुसूचित जाति आयोग को इतना सशक्त बनाना चाहते हैं, चाहे भाजपा राज्य शासित प्रदेश हो या गैर भाजपा शासित प्रदेश हो, हम लोगों को संविधानिक व्यवस्था के तहत जो अनुसूचित जाति के हक हैं, अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं, अनुसूचित जाति के जो पीड़ित भाई बंधु हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको बहुत जल्दी न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को बचाव करने के लिए हम अपने आयोग को और सशक्तिकरण के रूप में, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, अनुसूचित जाति समाज को बताना चाहता हूं, अपने परिवारों को बताना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, गरीब समाज के लोग हैं, कि किसी भी भाई बंधु पर, चाहे शासकीय व्यवस्था पर, चाहे सामाजिक व्यवस्था पर या असामाजिक व्यवस्था पर, अगर कोई भी अनुसूचित जाति के हकों पर हनन होता है, हमारे भाई पर, हमारी बहन पर, हमारे बंधुओं पर अगर अत्याचार होता है, आप लोग अनुसूचित जाति के आयोग समक्ष अपनी शिकायत भेजिए, हमें प्रेषित करिए। एक सप्ताह के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो विजय सांपला जी हैं, एक सप्ताह के अंदर हम संबंधित जिलाधिकारी से, संबंधित पुलिस अधिकारी से, संबंधित राज्य सरकार से हम उसकी कार्रवाई कराने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के हकों के लिए अगर श्री विजय सांपला को देर रात तक भी, रात भर भी जाग कर अगर काम करना पड़ेगा तो हम लोग उन ऐसा काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री हमारे हैं, राष्ट्रपति हमारे हैं, और जिस प्रदेश से आप आते हैं उस प्रदेश में लगभग पिछले 10 वर्षों से मिर्चपुर कांड के पीड़ित अभी तक वो बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अब आयोग, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम आयोग से कहेंगे, क्या आयोग आपकी बात मानेगा और मिर्चपुर कांड के पीड़ितों तक हम ये आवाज पहुंचाए कि आपके देखिए, मिर्चपुर कांड के कई सारे जो पीड़ित परिवार हैं, मैं उनसे पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूँ, हमने उनकी कई समस्याओं का समाधान कर दिया है जो संविधानिक व्यवस्था के तहत थी, फिर भी जो उनकी उलझन है, हम लोगों का अनुसूचित जाति आयोग श्री विजय सांपला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में फिर काम की गति को तेजी से करने के लिए आरंभ हो गया है। मैं मिर्चपुर कांड के जो हमारे पीड़ित परिवार हैं, मैं स्वयं उन परिवारों के साथ में अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला तक ये सारा विषय लेकर आऊंगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उन पीड़ित परिवारों की जो उलझने हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, आयोग के माध्यम से उन समस्याओं को हल करेंगे। पिछले महीने राजस्थान से कई गांव से परिवार पलायन कर गए हैं, हमने उस विषय का संज्ञान लिया है। मैं स्वयं भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की अंबेडकर फाउंडेशन में सदस्य हूं। हमने उन परिवारों का संज्ञान लिया है, उनके पुनर्वास के लिए हमने राज्य सरकार को पत्र व्यवहार भी किया है।
मैं एक बार फिर आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी हमारे देश के जो गरीब पीड़ित अनुसूचित जाति के बंधु हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी हकों के लिए हमारा सशक्त अनुसूचित जाति आयोग और तेजी के साथ कार्रवाई करेगा। पीएम मोदी साहब ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को सूट मत करो, चाहे मुझे सूट कर लो। क्या मोदी जी कमजोर हैं देश में? कैसी बातें करते हैं। आज सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की योजना से हम लोगों ने सरकार के 8 वर्षों की सफलता को पूरा किया है। आप पूरे विश्व भर में देखेंगे कि आज देश का दुनिया में हमारे क्या कीर्तिमान बना है। और जो अनुसूचित जाति के हकों की बात है, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने अनेक सार्वजनिक मंचों पर दोहराया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत हूँ और मैं बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक भी दे दूंगा। ये देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कई बार दोहराया है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ, हमारा अनुसूचित जाति आयोग श्री विजय सांपला जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में और शक्ति के साथ अनुसूचित समाज की हकों की लड़ाई को लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।